हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन बावकत आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल हर्ब्स बेनिफिट्स इन्फो में। और आज आप हजरात के लिए एक बेहतरीन एक नायाब नुस्खा लेकर हाजिर हुआ हूँ। और आज का नुस्खा मैं एक दरअसल मेरे पास एक ख़वातीन की बहुत ज़्यादा ईमेल्स आ रहे थे, वो मुझसे बात करना चाहती थी। तो उन्होंने मुझसे बात की तो उन्होंने बताया कि हज़रत आपको मैं एक नुस्खा बताती हूँ जो कि मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ। और वो सुबह 5 बजे तक, रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक मुझे छोड़ते नहीं हैं, इतना ज़बरदस्त तरीके से हम बिस्तरी करते हैं। तो मैंने उनसे बहुत ज़्यादा दरख्वास्त की कि आप बताइए, मैं अपने व्यूवर्स तक, अपने सब्सक्राइबर्स तक ये चीज़ पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप इतनी तारीफ़ कर रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा मिन्नतों के बाद उन्होंने मुझे वो चीज़ बताई है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले छोटी सी गुजारिश करता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला बेल आइकन भी आप ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो की तरफ आगाज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले आपने 5 तोला की मकदार में खजूर ले लेना है, ठीक है। खजूर लेने के बाद आपने उनकी गुठलियाँ निकाल लेनी है और खजूरों का एक पेस्ट बना लेना है, इनको कूट लेना है, ठीक है। पेस्ट बनाने के बाद आपने 3 तोला की मकदार में सफ़ेद मूसली ले लेनी है, इंडियन वाली, ठीक है। उसका पाउडर आपने पाउडर बना के सफ़ेद मूसली को और इसमें मिक्स करता रहना है। उसके बाद आपने 2 तोला की मकदार में शक्काकल ले लेनी है, ये भी आपको पंसारी की दुकान से बआसानी मिल जाएगी, ठीक है। दोनों चीज़ों का पाउडर बनाकर आपने इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें इससे 3 गुना ज़्यादा शहद डालना है, ठीक है। जब आप शहद डाल लोगे तो एक माजून की शक्ल में तैयार हो जाएगा, या आपने एक शीशे में महफूज कर लेना है। महफूज करने के बाद आपने इसको सुबह शाम आधा आधा चम्मच इस्तेमाल करना है नीम गर्म दूध के साथ, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इसमें गर्म चीज़ों का परहेज़ रखना है, खट्टी चीज़ों का परहेज़ रखना है और बाहर की तली भुनी चीज़, शराब, गुटखा, बीड़ी वगैरह, इन सब चीज़ों का परहेज़ रखना है। बाकी ये कि 4 दिन का अपनी बीवी से एक बार परहेज़ कर लीजिए, इंशाल्लाह 4 दिन के बाद वो ठुकाई बीवी की करोगे कि बीवी याद रखेगी ज़िंदगी भर तक। तो दोस्तों, ये तो मेरा नुस्खा, उम्मीद करता हूँ पसंद आएगा, आपको समझ आया होगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में किसी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप सुरक्षित रहिएगा। खुदा हाफिज़।